केवीडीसी बेसिकली वोकेशनल रीहैब सेंटर है और हम मौजूद हैं केवीडीसी के प्रोजेक्ट में जो कि है कैफे खुदी। ये डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का फर्स्ट एवर कैफे है जो कि यहाँ कराची में डिफेंस फेस फोर में वाक़ है, और इसका मकसद है कि सोसाइटी के सामने, दुनिया के सामने जो डिफरेंट एबल्ड बच्चे हैं उनकी जो भी सलाहियतें हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, वो सामने आए। खुदी का कैफे का बनाने का मकसद ये था कि वो बच्चे जो कि हमारे ट्रेनिंग में आते हैं यहाँ पर, तो टेक्सटाइल के साथ और चीज़ों के साथ साथ खाने पीने का क्योंकि ज़्यादा रिवाज है, तो उनको बच्चों को अगर खाने पीने की चीज़ों में अगर उनको सिखाया जाए तो बेहतर होगा। तो उस हवाले से हमने ये बनाया कैफ़े, और कैफ़े की ज़्यादा हर चीज़ वैसी है कि जो नाश्ते में तकरीबन लोग बाहर ही करते हैं और शाम को करते हैं, तो इसलिए हमने ये बनाया ताकि बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग भी हासिल करें, पकाना भी सीखें, और उनको हर चीज़ का इल्म हो जो एक कैफ़े में होता है, ताकि बच्चा यहाँ से चार साल के अंदर फारिग होकर सर्टिफिकेट लेके फिर जाएगा मार्केट में, फिर वो बाहर भी जा सकता है, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल मतलब ये है कि वो बच्चा ज़्यादातर अमेरिका भी, इंग्लैंड भी और जर्मनी भी, सब जगह पे, और किसी भी कैफ़े में वो काम कर सकते हैं। मैंने बिखरों को इकट्ठा किया और उनको मैंने एम्पावर किया। यहाँ पर जितने भी आपको मिलेंगे स्टाफ, हर आदमी अपनी जगह के ऊपर एम्पावर है, और वो जब एम्पावर है तो फिर उसको मुझसे पूछने की या अपने इमीडियट बात से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कलनरी यूनिट है जहाँ पर बेसिक और इंटरमीडिएट की एजुकेशन के बाद, ट्रेनिंग के बाद बच्चे यहाँ आते हैं और अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर काम करते हैं। 6 महीने का यहाँ पर टेन्योर है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो हमारी फूड इंडस्ट्री है वहाँ पर नॉर्मल लोगों के साथ, जो हमारी माशाल्लाह नॉर्मल सोसाइटी है, उनके साथ शाना बशाने चल सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपनी फैमिली के अर्निंग मेम्बर्स बन सकते हैं और एक अच्छी जिम्मेदारी के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। हाँ, और खुद ही हम उनको जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करना चाह रहे हैं फॉर द फूड इंडस्ट्री, फॉर द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। सो हियर खुद ही हम, इट्स बेसिकली अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर द डिफरेंटली एबल्ड, जहाँ हम उनको अंदर हॉटलाइंस में, बेकरी के अंदर, सर्विसेज के अंदर, कस्टमर सर्विस के अंदर एज अ कैशियर, हम सब उनको ट्रेन कर रहे हैं सो दैट दे कैन फाइंड जॉब्स आउटसाइड इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। अभी इट्स बिन लाइक टू, इट्स आवर सेकेंड वीक नाउ कि जब खुद ही अभी खुला है, एंड बट द ट्रेनिंग हमारी लाइक लास्ट 1 महीने से चल रही है बच्चों की, और ताकि ऑब्वियसली हमें कस्टमर सर्विस पे उनकी काम करना था, तो इसलिए देन हमने 1 महीने पहले से उनके ऊपर ट्रेनिंग चल रही थी, और नाउ लाइक इट्स बिन 2 वीक्स के हमने खुद ही स्टार्ट किया है। तो माय नेम इज़ फातिमा इर्तज़ा, मैं जी आर ओ गैस रिलेशनशिप ऑफिसर हूँ मैं, और यहाँ पे सर्विस का काम सीख रही हूँ। कैफे खुदी में वाकई बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है, और यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और यहाँ पे जो है सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जब कोविड आया तो उस ज़माने में हमने ये देखा कि हमारे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कलनरी की एजुकेशन अपनी कम्प्लीट कर ली थी, और कोविड में जब पूरी दुनिया बंद हो गई थी, तो इन बच्चों ने अपने अपने घरों से फूड पांडा पे अपने होम शेफ़ के तौर पे अपने अपने किचन्स को रजिस्टर्ड करवाया, और हमारे बहुत सारे पेरेंट्स जो शायद इतनी ज़्यादा अहमियत इन बच्चों को नहीं देते थे, जब ये अपने घरों से अपने किचन्स को रन करने लगे तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि कितने केपेबल हैं, ये क्या कुछ कर सकते हैं, और वो वक्त था जब वो वाहिद उनका सोर्स ऑफ अर्निंग बना। उन बच्चों से जब उनके घर का काम शुरू हुआ और किचन्स रजिस्टर्ड हुए, और इतनी कामयाबी के साथ उन्होंने किचन्स ने जो फूड पांडा पे जो उनके रिव्यूज़ थे वो इतने स्ट्रॉन्ग रिव्यूज़ थे, और हमें इस बात का हमेशा से अंदाज़ा रहा है कि जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे उनके पास वो कैपेसिटी है कि जिसमें वो किसी भी, चाहे वो कारपेंट्री हो, चाहे वो मशीन रेडी हो, चाहे वो जरी वर्क हो, चाहे वो कलनरी हो, कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में वो बहुत ही कारामा शहरी के तौर पर नुमाया कारकर्दगी के मुजाहरे कर सकते हैं। इट्स बेसिकली इट्स वर्किंग एज अ नॉर्मल कैफे एंड अ बेकरी ऑल्सो, क्योंकि हमारे पास अपनी फ्रेश अपनी ब्रेड्स, केक्स, डिजर्ट्स, सेवरीज, हम ये सब अपनी फ्रेश एवरी मॉर्निंग बेक कर रहे होते हैं, ताकि बच्चे उसके ऊपर सीखते भी जा रहे हैं और हम उनको एवरी डे बेक कर रहे होते हैं, तो वो हमारे बेकरी डिपार्टमेंट में हो गया। देन वी हैव अ हॉटलाइन जिसके अंदर हमारे कैफ़े का पूरा अपना एक मेन्यू है, जिसमें हमने कोशिश करी है कि हम हर कुजीन को कैटर कर लें, ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हर कुजीन के ऊपर हो जाए जब वो बाहर जॉब प्लेसमेंट्स के लिए जाएँ। देन वी ऑल्सो हैव लाइक 2 किड्स इन द सर्विस एरिया, जिसमें हम उनको पूरी कस्टमर सर्विस, किस तरीके से फूड डिलीवर करना है, किस तरीके से उठाना है, किस तरीके से उनका पब्लिक के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन होगा, वो हम टेक केयर कर रहे हैं। देन वी हैव अ कैशियर जो माशाल्लाह से हमारे कैशियर ही अब सब सारे जो है बिल्स जनरेट कर रहा है माशाल्लाह से,
तो वो पूरी लाइक बिल्स एंड लाइक POS को पूरा जिस तरीके से हैंडल करना है, सो आर वन इंटर्न इज डूइंग दैट आल्सो। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी डिफरेंटली एबल्ड कैफे में बैठा हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक नॉर्मल कैफे में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और खाना पीना जो है बिल्कुल अच्छा क्वालिटी का और स्टैंडर्ड का है, ठीक है, और मुझे बहुत मज़ा आया। और मेरा फैमिली मेम्बर खुद भी यहाँ पे जो है अपना GRO है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अगर नहीं होंगी ऐसे लोगों के पास, तो फिर सीधी बात है हम लोग किस तरह हम लोगों को पता चलेगा और हम लोग किस तरह एक्सेप्ट कर पाएंगे ऐसे लोगों को। और हमें करना चाहिए, उनको नॉर्मली ट्रीट करना चाहिए। और आप लोगों को मैं चाहूँगा कि आप सब लोग आएँ, ठीक है, और जो है ये चीज़ एक्सपीरियंस करें। खुदी बेसिकली इधर जो इकबाल की खुदी है, खुदी को कर बुलंद इतना, जिसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इट्स बेसिकली सेल्फ एस्टीम एंड प्राइड, जो हम इधर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ऑफ KVTC, हम उनके अंदर उनकी सेल्फ एस्टीम को रेज करना चाह रहे हैं। सो बेसिकली इसका जो ओवरऑल जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम उनकी सेल्फ एस्टीम को रेज करना चाहते हैं व्हेन दे गो आउट इन द मार्केट, क्योंकि सोसाइटी उनको दबाने की कोशिश कर रही होती है।